हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे इजी पैटर्न जो हमारा बुनाई में होता है वो बनाना बताऊंगी, स्पेशली एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा और जो है फ़ायदेमंद यूज़फुल पैटर्न है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने ऑड नंबर में फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 स्टिचेस 9 फंदे लिए हैं, और ये नॉर्मल 4 प्लाई वूल है, 10 नंबर सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, एक ही सिलाई में ये पैटर्न बनेगा हमारा। इसमें हमने एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे। अगर सीधा उल्टा बुनना जानते हैं तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत सुंदर लगने वाला पैटर्न बनेगा। तो ऐसे हम पूरी रो बना लेंगे, निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन, कीप रिपीटिंग दिस 2 स्टिचेस, निट वन पर्ल वन। और क्योंकि ऑड नंबर है तो हमारा स्टार्टिंग में पहला फंदा सीधा था, लास्ट फंदा भी सीधा ही आएगा, निट द हेड स्टिच। तो ऐसे हमने ये रो वन कंप्लीट कर लिए। देखिए, एक सीधा एक उल्टा की। अब रो टू, दूसरी सिलाई, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। पहला फंदा आप स्लिप भी कर सकते हैं और बुन भी सकते हैं। तो ऐसे हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल, अब फ्रेंड्स हमने यही 2 सिलाइयां ही बार बार रिपीट करनी है। कितना इजी पैटर्न है, देखिए। फिर से हम वही करेंगे, पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा उल्टा। जो हमने रो वन बुनी थी एग्जैक्टली वही हमने रो थ्री बुननी है, कोई चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हमने एक सीधा एक उल्टा जो है सीधी तरफ से बुनना है, और सारे फंदे उल्टे जो है वो उल्टी तरफ से बुनते जाना है। तो कीप रिपीटिंग दिस 2 रोज, रो 1 एंड 2 टिल रिक्वायर्ड लेंथ। तो ऐसे देखिए, हम जब ये 2 सिलाइयों को ही बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो बैक साइड से बैक, या आप इसे रिवर्सिबल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से यूज हो सकता है। देखिए, इस तरफ से ये जो है बीड्स जैसे बनते जाएंगे, और इस तरफ से ये रिप इफेक्ट देता जाएगा। ये देखिएगा, जब हम इसे बार बार रिपीट करेंगे, एक साइड से तो ऐसा दिखाई देगा ये, और आप ये साइड भी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट में, और इस बैक साइड से इस तरह से, या इसे आप फ्रंट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उभरा हुआ आता है, बीड वर्क जैसा दिखाई देता है, तो आप इसे फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को हम जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए वेस्ट बनाएंगे, बनियान बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल पैटर्न है। देखिए, खींचेंगे तो ये इतना ज़्यादा खिंच जाएगा, इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इसे जो है बच्चों के अंदर पहनने के इनर बनियान वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपकी वूल हार्ड है तो आप ये साइड बाहर की तरफ को रख सकते हैं, क्योंकि ये साइड स्मूथ है तो ये अंदर की तरफ को रह सकती है। और अगर आप इसे साइड से जो है इनविजिबल स्टिचिंग से बुनाएंगे, जो है जोड़ेंगे, तब ये दोनों तरफ से पहनी जा सकती है, मतलब कि रिवर्सिबल बनेगी। तो चलिए, अभी हम, अगर आपको ये वेस्ट बनानी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा और देखते रहिए निटिंग नाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।